राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की प्रथम वर्षगांठ पर पूरे छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। राजनांदगांव में भी ये यात्रा निकाली गई। इस दौरान जनता को भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य से अवगत कराया गया। वहीं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 में की थी, जिसके एक वर्ष पूर्ण होने पर राजनांदगांव में कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा ने बताया कि हम सबके लिए खुशी की बात है कि भारत जोड़ो यात्रा का एक वर्ष पूर्ण हो चुका है। ये यात्रा पूरे देश की जनता के लिए थी, ये आम जनता की यात्रा थी। देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, राहुल ने देश को जोड़ने का एक सार्थक प्रयास किया। राहुल पहले राजनेता है जिन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा की। इसका मूल उद्देश्य हमारे देश को बचाना था। ये यात्रा के प्रारंभ होते ही केंद्र के लोगों ने हंसी उड़ाई। उनको कुछ दिनों में ही दिख गया कि जनता ने कैसे राहुल के हाथ से हाथ मिलाया और पूरे भारत को जोड़ा। वहीं विधायक इंद्र शाह मांडवी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के एक साल पूरे होने पर कांग्रेस यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा सभी वर्ग को जोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज राहुल गांधी जी के माननीय राहुल गांधी जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आज ही के दिन कन्याकुमारी से काश्मीर तक के एक साल पूर्ण होने पर हमारे पूरे देश में हर ब्लॉक में हर जिला में ये यात्रा चालू की गई है, जिसमें आज विशेष रूप से हमारे बीच में माननीय श्री चंद्रशेखर जी विधायक हिमाचल प्रदेश से आए हैं, साथ में हमारे कुलबीर भाटिया जी, हमारे सभी यहाँ के राजनांदगांव के साथीगण पूरे सभी लोग उपस्थित हुए और यहाँ पे यात्रा किए। और ये यात्रा सौहार्दपूर्ण वातावरण में माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा सभी वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया गया है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की और पूर्ण हुई। निश्चित रूप से ये पहले राजनेता हैं जिन्होंने 4000 किलोमीटर पदयात्रा की है। ये पहले जनसेवक है जिन्होंने देश को एकजुट करने के लिए पदयात्रा की है। जहां विपक्ष की केंद्र की मोदी सरकार के लोगों द्वारा यात्रा शुरू होते ही हंसी उड़ाई गई और मखौल उड़ाया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उनको समझ में आया कि जनता ने हाथों हाथ यात्रा को लिया और जनता ने पूरा यात्रा को सम्मान दिया और जनता बहुत खुश है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।